जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस पॉइंट या आर्मी अपडेट्स में। आज की वीडियो में बात करेंगे MES के बारे में, IRB के बारे में और जम्मू कश्मीर में आने वाली भर्तियों की जानकारी के बारे में। एक मिक्स वीडियो रहती है हमारे, रात को हम 9 बजे 9:30 बजे के आसपास डालते हैं डेली, एक आधी वीडियो अपडेट करते हैं। बट आप लोगों को बता दें कि जहाँ पर काफ़ी बच्चे जम्मू कश्मीर में जो है वो अपनी सरकारी नौकरी से वंचित है, काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर और डिफरेंट एरियाज में भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, भर्तियों की तलाश रहे हैं, बट देखने को नहीं मिलती। आर्मी MES की तरफ से 41,822 पोस्टें, आपको बता दें कि MHA की तरफ से अपडेट हुई थी, बट आखिरी अभी तक जहां पर उसकी तरफ से कोई नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला। लास्ट वीक ऑफ अगस्त में बताया जा रहा था, बट मुझे नहीं लगता कि यह लास्ट वीक ऑफ अगस्त में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। आप लोगों को बता दें कि जो अपडेट वगैरह है जो देखने सुनने को मिल रहा है कि आप लोगों का फर्स्ट और सेकेंड वीक सितंबर में MES के फॉर्म लग सकते हैं। IRB की तो बात छोड़ो, IRB तो वो सोशल मीडिया में ऐसे ही प्राइवेट वेबसाइट्स वालों ने अपडेट किया था, IRB की तरफ से कोई मंजूरी वगैरह नहीं मिली है, बट सोशल मीडिया में बात चल रही है थोड़ी बहुत। तो आप लोगों को IRB को टाइम लग सकता है, बट ये MES की जो है ये भर्ती आप लोगों को ग्राउंड लेवल देखने को मिल सकती है। इसका पहले रिटर्न एग्ज़ाम होगा जब फिज़िकल, अभी इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं, बट मेरे ख्याल से इसका फिज़िकल ही कंडक्ट होगा क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी ट्रेडमैन की है। तो ट्रेडमैन्स के लिए हार्ड फिज़िकल रहता है, वही आप लोगों को वजन वगैरह उठा के भागना पड़ता है। इसके फिज़िकल की डिटेल जानकारी आपको प्रोवाइड करवाएंगे, बट आप लोगों को बता दें कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में काफ़ी बड़ी वैकेंसीज वगैरह आपको देखने को मिल सकती है क्योंकि दोनों शोर से इलेक्शन है, इलेक्शन की आड़ में आप लोगों को नौकरी मिलने के चांस रह सकते हैं क्योंकि आप लोगों को पता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितनी जल्दी कितनी फास्ट ट्रैक से SSC GD रिक्रूटमेंट्स को कंप्लीट किया है। SSC GD का अभी जस्ट मेडिकल कंप्लीट हुआ था और उनकी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट भी जारी कर दी है। इसका मतलब है कि यहाँ पर इनको अपना ब्यौरा देना है, इनको अपना डाटा डिटेल बताना है विपक्ष को, यानी कि आपको पता है ऑपोजिट जो पार्टीज रहती हैं उनको डिटेल्स वगैरह देनी पड़ती है कि आप लोगों ने कितनी पोस्टें निकाली हैं, तो आने वाले समय कितनी पोस्टें, ये सारा लोकसभा ये सारा जो डाटा है वह राज्यसभा में पेश करना पड़ता है। तो MES वगैरह की वैकेंसी और रेलवे की वैकेंसी ये सारी राज्यसभा में ही पीछे एक आप लोगों को पता है मीटिंग के दौरान ही पेश की गई थी, तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें। जमीनी सतर पर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगी, मतलब कि डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। बट भर्तियों का जो दड़दड़ा शुरू होने वाला है वो अक्टूबर के बाद ही चांस आप लोगों के बनते हैं। बाकी आपको बता दें कि क्लास 4th और जम्मू कश्मीर पुलिस की बात हो गई, जम्मू कश्मीर में SPOs वगैरह की भर्ती हो गई, तो ये सारी आप लोगों को बता दें कि आने वाली है, काफ़ी देर हो गई। पीछे कोविड था, पहले 19 में कोविड था, फिर उसके बाद 20 में दोबारा कोविड आया, उसकी आड़ में भी काफ़ी भर्तियाँ जो है काफ़ी वैकेंसीज वगैरह वो रुकी हुई है। जम्मू कश्मीर में काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के विंग ही काफ़ी ज़्यादा हैं जिसमें काफ़ी मैन पावर की कमी है। उसके साथ साथ आप लोगों को बता दें कि काफ़ी सिविल डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें क्लास 4th और तमाम टीचर्स वगैरह की पोस्ट वैकेंट है, बट आने वाले समय में आप लोगों को पॉजिटिव अपडेट देखने को मिल सकती है। जैसे कोई बड़ी अपडेट्स हमारे पास पहुंचती है हम आप लोगों से शेयर करेंगे। मिलते हैं कल की वीडियो में डिटेल्ड जानकारी के साथ। आज एक मिक्स ही वीडियो थी, बट कल हम MES के बारे में थोड़ा बात करेंगे, नोटिफिकेशन को चेक करेंगे, उसका फिजिकल एलिजिबिलिटी और इसमें क्या सिस्टम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बातचीत करेंगे। लड़के और लड़कियों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रह सकती है।